रूबी नैयर साहब ने अपने पूरे करियर में 73 रिलीज्ड हिंदी फिल्मों में गीत दिए, एक तेलुगु और 5 अनरिलीज्ड फिल्मों में भी उनके गीत गूंजे। 41 नॉन फिल्म सॉन्ग्स भी उन्होंने बनाए जिनमें गजलें, भजन और दोहे शामिल हैं। उनके हिंदी गीतों की कुल तादाद है 642 गीत, 642। लेकिन कमाल देखिए कि इन 642 गीतों में कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि नैयर साहब ने लता जी की आवाज इस्तेमाल की, यानी लता जी ने कभी भी ओपी नैयर साहब के साथ काम नहीं किया। बावजूद इसके आज ही के दिन सन 2007 में जब नैयर साहब ने अपनी आखिरी सांस ली तो मैंने लता जी से उनकी राय जाननी चाही नैयर साहब के बारे में। लता जी का बड़प्पन देखिए कि पूरी जिंदगी नैयर साहब के साथ काम न करते हुए भी उन्होंने नैयर साहब के बारे में बात की। आइए सुनते हैं आज के दिन 2007 में क्या कहा था लता जी ने ओपी नैयर साहब के लिए। क्या मुझे उस संगीतकार का नाम बताएंगे जिसने आज तक लता मंगेशकर जैसी खूबसूरत आवाज का इस्तेमाल नहीं किया, और मैं अपनी पसंद का गाना जो कि लता मंगेशकर ने नहायत खूबसूरती से गाया है, उन्होंने हजारों गाने खूबसूरती से गाए हैं, पर मेरी पसंद का एक गाना है, जब भी मैं सुनता हूँ उस गाने को तो मेरा दिल बेकरार कर देता है वो गाना। ये समाचार तो बड़ा दुखद समाचार है, मुझे बहुत दुख है सुन के, मुझे बहुत खराब लगा, क्योंकि हमारे जो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिनके बहुत नाम थे, उनमें नैयर साहब का भी एक नाम था, वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, और एक उन्होंने जब वो आए हैं इंडस्ट्री में तो उन्होंने एक नया ही दौर म्यूजिक का शुरू किया था जो खिला दिया था उस वक्त इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग आते रहे, पहले मास्टर गुलाम हैदर ने आके शुरू किया था सिलसिला, उसके बाद शंकर जयकिशन और फिर नैयर साहब। जी हाँ, इन लोगों ने अपना एक स्टाइल बनाया था और अपने स्टाइल में उन्होंने म्यूजिक किया था, उसमें नैयर साहब का नाम बहुत अच्छी जगह पे आता था, ऊंची जगह पे आता था। लता जी, म्यूजिक में ओपी नैयर साहब के म्यूजिक में दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के मुकाबले आपको क्या खूबी नजर आती थी? नहीं, खूबी तो ये थी कि वो ज्यादा रिदम पे उनका ये था जोर, उनके गाने ज्यादा रिदमिक होते थे, लोगों को वो बहुत अच्छे लगते थे सुनने में। जी, ऐसे गाने उनके बहुत कम आते थे जिसमें रिदम सॉफ्ट है, या उनके गाने सैड सॉन्ग भी हो, हैप्पी सॉन्ग तो होता ही था, तो वो उसमें एक रिदम का ज्यादा ये होता था, और ज्यादा उन्होंने पंजाब का फोक काफी इस्तेमाल किया, और पंजाब के फोक में उन्होंने कुछ अपना अलग से एक ये बना के धुने बनाई, एक स्टाइल था उनका जिसमें उन्होंने अलग अलग टाइप के धुने बनाई जो चली और अभी तक चल रही हैं, लोग आज भी सुनते हैं। जी जी जी। लता जी, आज नैयर साहब हमारे बीच नहीं रहे जी, तो आज क्या आपको कभी ये फीलिंग आती है कि आपने ओपी नैयर साहब के साथ कभी नहीं गाया? नहीं, इसलिए कि देखिए, नैयर साहब के साथ मैं सबसे पहले मैंने उनके साथ एक गाना गाना था जी, जो रिकॉर्ड नहीं हो सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने वो गाना किसी और से लिया, और फिर जो उनका स्टाइल था, उनका कहना ये था कि मेरा जो स्टाइल है वो लता के गले से कभी अच्छा नहीं लग सकता है, और मैं भी वही महसूस करती कि उनका जो एक स्टाइल था वो शायद मेरे गले से इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि गीता दत्त, आशा भोसले और शमशाद भाई, रफी साहब वगैरह, इन ये जब लोग गाते थे तो उस गाने में कुछ अलग ये पैदा होता था कलर, ऐसा मुझे लगता है। उनके जाने से कितना बड़ा लॉस हुआ है इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री को तो हमारे जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स गए हैं तो लॉस ही लॉस होता रहा है, अभी हाल ही में नौशाद साहब गए, वो सबसे बड़ा लॉस था, अब नैयर साहब गए हैं, पर नैयर साहब ने काम छोड़ ही दिया था और वो अलग बम्बई से दूर थोड़ा सा मतलब थाना में जाके रहते थे, और उन्होंने कभी वापस मुड़ के देखा नहीं, और ये भी कोशिश नहीं की कि छोटी मोटी पिक्चर में म्यूजिक करूं, ये बहुत बड़ी बात, और वो अलग रहे और आज वो इस दुनिया में नहीं है।
बस हम तो उनकी मगफरत की दुआ करते हैं। बिल्कुल, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।